हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। दोस्तों, 9th सम हम करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या पूछा है इस सम में। सो आपको बोला है रूट टू इरेशनल है, और आपको प्रूफ करने बोला है कि 5+3 रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, आपको प्रूफ करना है। तो इसको जनरली कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से किया जाता है। सो अपन लिखेंगे लेट 5+3 रूट टू इज अ रैशनल नंबर, दैट इज 5+3 रूट टू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन बी। बराबर ना, रैशनल मतलब ए अपॉन बी। सो देयरफॉर 3 रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 5। बराबर। सो देयरफॉर 3 रूट टू इज इक्वल टू ए माइनस 5 बी अपॉन बी। सो देयरफॉर रूट टू इक्वल टू ए माइनस 5 बी अपॉन 3b। ठीक है, बट RHS जो अपना राइट हैंड साइड है इज अ रैशनल, एंड इट इज गिवन दैट रूट टू इज अ रैशनल। ठीक है, सो देयरफॉर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ए रैशनल कैनॉट बी इक्वल, देयरफॉर ए रैशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। समझ रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसीलिए देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अपना अजम्पशन क्या था कि दिस इज अ रैशनल नहीं। देयरफॉर 5+3 रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो क्या किया हमने, इसको इरेशनल नंबर बोला, तो हमने क्या किया, 5+√3 इक्वल टू ए अपॉन बी। हमने क्या किया, वी एक्सप्रेस्ड अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, वी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए अपॉन बी। बाद में रूट टू लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये सब आया। सो बट राइट हैंड साइड में तो पूरा रैशनल है, बट रूट टू इज इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल और रैशनल जो है वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। सो अपना अजम्पशन क्या हो गया, इनकरेक्ट। सो देयरफॉर ये कंफर्म होता है कि भाई ये रैशनल तो नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल हो गया ये। बराबर, तो इरेशनल हो गया। सो आई होप आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का। ठीक है, सो इसी तरीके के और सम करेंगे हम। मिलते हैं अगले वीडियो में, 10वां सम अगले वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तब तक ख्याल रखिए और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए प्लीज। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।